Hi everyone, welcome back to Leetcoding. I am Faraz and finally we are ready with our data structures and algorithm sheet. तो आज हम लोग अपनी DSA sheet launch करने वाले हैं and उसके बारे में पूरा discussion करेंगे कि हमें कैसे उसको follow करना है. तो इस वीडियो में आपके लिए एक giveaway होने वाला है on completion of 10,000 subscribers. उस giveaway में participate करने के लिए क्या-क्या steps follow करने होंगे वो मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा. तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि DSA sheet हमें कैसे follow करनी है. बट उससे पहले क्वेश्चन ये है कि कुछ DSA sheets ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो यही DSA sheet आपको क्यों फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला रीजन ये है कि दिस DSA sheet इज वेल ऑर्गेनाइज्ड. एंड बाय वेल ऑर्गेनाइज्ड आई मीन द क्वेश्चंस इन दिस शीट्स आर फर्स्ट सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, जैसे एरेज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, ट्राई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And within these topics, the questions are sorted according to the difficulty level. Like in array, questions are first easy, then medium, then hard. Now within these subcategories, the questions are according to the frequency in which they are asked in the companies. वैसे तो आपको complete DSA sheet ही करनी है अगर आप लोग guarantee चाहते हैं placements की. But अगर किसी के पास time कम है तो उसके लिए ये जो frequency वाली चीज़ है ये बहुत ज़्यादा useful रहने वाली है. दूसरा point ये है कि this sheet is not too huge and not too short. सीधा सीधा मतलब ये है, ना तो इसमें क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं और ना ही इसमें क्वेश्चंस मिसिंग हैं. तो एग्जैक्ट जितने क्वेश्चंस होने चाहिए इसमें उतने क्वेश्चंस डाले गए हैं. मैं और ज़्यादा इंक्लूड कर सकता था बट वो रिपीटेटिव हो जाते हैं. प्रैक्टिस के लिए अच्छा है बट देन साइज बढ़ा देता वो शीट का. और थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो क्लिशे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना, वो क्वेश्चंस इस शीट में हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नाउ द फोर्थ पॉइंट, I have an experience of 3.5 years on Leetcode and I have solved about 1200 questions on Leetcode. 950 around this ID से किए हैं and बाकी दूसरी ID से किए हैं. तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है एंड इसी वजह से मैंने जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पिक करके इस लिस्ट में डाले हैं. अब इसके बाद आ जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो है Leetcode के डिस्कस सेक्शन के बारे में. तो Leetcode के डिस्कस में कुछ ऐसे हिडन जेम्स प्रेजेंट हैं जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला. ये अप्रोच है हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर मेथड की, एंड बहुत ही अच्छी अप्रोच है. इसमें इसने एग्जांपल्स भी दिए हैं एंड बहुत क्लियरली बताया है. तो ऐसी चीज़ें मैं इस लिस्ट में इंक्लूड कर दूंगा विद टाइम. अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. अभी लोगों को स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करना, धीरे धीरे करके हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे. एंड द फाइनल पॉइंट, Leetcode का जो इंटरफेस है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन इंटरफेस है. सबसे अच्छी बात यह है कि आप विद इन द क्वेश्चन ही अपने नोट्स बना सकते हैं. अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको एक नोट्स वाला टैब मिल जाएगा. यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने नोट्स लिख सकते हैं. जो भी आप नोट्स लिखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन पे सेव हो जाएंगे. अगर आप इस क्वेश्चन में कहीं भी अटकते हैं या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है देन यू कैन इंक्लूड इन दी नोट्स ताकि बाद में रिकॉल कर पाएं आप. तो यार इस शीट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो अब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इस शीट को फैलाने में. तो इस शीट को पूरी तरीके से फैला दो जितना हो सकता है, अपने क्लास ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में पूरा फैला दो इस शीट को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शीट को कर पाएं, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती रहेगी. तो अब आगे के पॉइंट्स आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं. मैं एक एक करके चीज़ें डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे कैसे इस शीट को फॉलो करना है. अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे देन आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा इस शीट का. तो इसको कंप्लीट देखना एंड याद रखना कि क्या क्या पॉइंट्स बताए गए थे. ऑल दो मैंने थंबनेल में 250 मेंशन किया हुआ है बट यहाँ पर आपको क्वेश्चंस 330 के आसपास मिलेंगे. अब ये 80 क्वेश्चन का वेरिएशन क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि 80 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं एंड ये मोस्ट प्रोबेबली आप सबको आते होंगे अगर आप थोड़ी बहुत भी DSA करते हैं तो. लेकिन इन केस अगर किसी ने बिल्कुल भी DSA नहीं किया है एंड उसको भी फॉलो करना है तो वो भी इसको इजीली फॉलो कर सकता है. तब भी आपके 320 या 330 क्वेश्चन हैं एंड वो भी ज़्यादा नहीं है. 5 मिनट लगते हैं उन इजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो सबसे पहला आपका स्टेप यही होगा, राउंड नंबर 1. आप लोग एक एक क्वेश्चन पिक करेंगे एंड उसको सॉल्व करते जाएंगे एंड आपसे इजी वाले क्वेश्चंस 5-5, 10-10 मिनट में सॉल्व होते चले जाएंगे. लेकिन आपको एकदम से आगे नहीं बढ़ना है. सॉल्व करने के बाद आप लोगों को जाना है डिस्कस में और डिस्कस में देखनी है आपको ऑप्टिमल अप्रोच. ठीक है, मुझे लगता है मुझे वीडियो का टाइटल मुझे हाउ टू यूज Leetcode इफेक्टिवली रख देना चाहिए था बट वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो यहाँ पर आप लोग डिस्कस में ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे. अगर वो मैच करती है देन यू आर फ्री टू गो अहेड. ठीक है, आगे चले जाओ, अगले क्वेश्चंस कर लो. और इन क्वेश्चंस को जो जो आप करते जाते हो इन क्वेश्चंस को यहाँ से डिलीट करते चले जाओ. ओके, कीप रिमूविंग देम. इन केस अगर ऑप्टिमल अप्रोच नहीं मैच करती है देन उसको रिमूव मत करो, अगली बार आपको फिर से करना है दोबारा से आके वो. तो इस तरीके से पहले ही राउंड के बाद आपकी जो शीट है वो 330 से आपकी 200 के आसपास रह जाएगी. अब आपको करना है राउंड 2. राउंड 2 में जो आप क्वेश्चंस पहले राउंड में नहीं कर पाए थे या फिर जिनमें आपको हिंट लेनी पड़ी थी आप वो क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपसे वो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं देन यू कैन रिमूव देम, उनको भी रिमूव करते रहो. ठीक है, एंड सिमिलर तरीके से राउंड नंबर 3 में करो. राउंड नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन आपके पास बचते हैं
आपके पास 50 या 60 क्वेश्चंस ऐसे बचेंगे जो आपको रिवाइज करते रहना है, जो आपको माइंड में रखना है, और वो इंटरव्यू में जाने से पहले भी आपको एक बार देख के जाना है। वो क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, मैंने वैसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं एंड वो क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए वो आपको इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा देख के चले जाना है। तो इस तरीके से आप लोग कंप्लीट डीएसए शीट कर पाएंगे। और डीएसए शीट को हम बुलाते हैं लीटकोड डीएसए शीट बाय फराज। ओके, लीटकोड काफ़ी लंबा सा नाम हो गया, बट ठीक है, लीटकोड डीएसए शीट बाय फराज बुला सकते हैं इसको। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं एंड आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन आई कैन गारंटी यू कि आप लोग अपने टेक्निकल इंटरव्यूज निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, वो ये है कि जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसमें तो भैया कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हाँ यार, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से नए होते हैं, कंपेटिटिव हर जगह कंपेटिटिव के नहीं होते हैं, बट वो क्वेश्चंस जो होते हैं नए होते हैं। टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या होता है कि जब कोई इंटरव्यूअर हैं उनको इसी तरीके के क्वेश्चन पता हैं एंड वो हमने लिस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, तो इसलिए उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑनलाइन असेसमेंट में नए नए क्वेश्चंस होते हैं, उसका रीज़न ये है कि वो हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर कंडक्ट कराए जाते हैं जो कि नए क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो मैं वीकली लीड कोड के एडिटोरियल्स बना के डालता हूँ चैनल पे, उसको आप कंप्लीट देख लिया करो। अगर आपने नहीं भी किया है वो क्वेश्चन, अगर आपको नया भी लगता है वो टॉपिक, तब भी आप उसको कंप्लीट देख लिया करो, उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया क्वेश्चन दिमाग में आएगा, नया पैटर्न बनेगा दिमाग में। 5 या 10 मिनट की वीडियो होती है एंड अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं देन आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके इंटरव्यूज में, ठीक है। तो अब आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आप इसमें से क्वेश्चन एलिमिनेट करते जाओ, जो जो क्वेश्चन आपसे होते जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गिव अवे की। तो गिव अवे के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप तो है सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। दूसरा स्टेप ये है कि मैं एक लिंक्डइन पोस्ट इंक्लूड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड आपको जाके उस पोस्ट पर कमेंट करना है कि हाउ दिस चैनल इज हेल्पिंग यू प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज। इसके बाद मैं 10 विनर्स पिक कर लूंगा एंड उनको मैं काफी यूजफुल सी चीज दे दूंगा सो दैट दे कैन प्रिपेयर बेटर फॉर देयर इंटरव्यूज। तो अब जो लोग हमारा 30 डेज का कोडिंग चैलेंज फॉलो कर रहे थे वो भी इस शीट में से क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।